सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दुनिया में दो ही चीजें ऐसी हैं जिनमें किसी का कुछ नहीं जाता, पहला मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी सबको तलाश है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, पर जिंदगी वही जीता है जिसका खुद पर विश्वास है। जब एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते तो एक ही दुख पर भी दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। आज का पंचांग 29 जून 2021 दिन मंगलवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि, दोपहर 1:23 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सद्भिषा नामक नक्षत्र रात्रि 1:02 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:51 से 5:32 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। कन्या राशि 29 जून 2021 दिन मंगलवार, आज आप किसी असंभव साझेदारी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। इससे आपको रोमांच और साहसी होने की अनुभूति तो होगी, परंतु यह देखना होगा कि यह साझेदारी कितनी सफल होगी। किसी अप्रत्याशित स्रोत से समर्थन सहायता प्राप्त हो सकती है, हालांकि यह अवसर बहुत कम समय तक ही मिलेगा, इसलिए आपको जल्दी फैसला लेना होगा। आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करने का उचित समय है। निवेश संबंधित गतिविधियों पर अपना पूरा ध्यान दें। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है। आज आपको हर काम में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा अपने कार्यों में लगा दें। खुद के द्वारा रखी गई अपेक्षाओं की बोझ के कारण आपको एंजाइटी महसूस हो सकती है। कुछ बातें आपकी अपेक्षाओं के अनुसार प्रगति कर रही है, लेकिन गति धीमी होने के कारण वह भी आपकी चिंता का कारण बन रहा है। अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। साथ की ऊर्जा का भी अवसर आप पर क्या होता है, इस बात पर ध्यान देना होगा। अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित नई बातें सीखने के लिए मिलेगी। रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय तो आपने लिया है, फिर भी इस पर विश्वास महसूस न होने की वजह से बेचैनी महसूस हो सकती है। त्वचा पर रैशेज या खुजली जैसी तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, मित्र या नजदीकी रिश्तेदारों की गतिविधियों से भी अनभिज्ञ न रहें। पीठ पीछे आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। समाज में बदनामी की भी आशंका है। बेहतर होगा कि अपनी गतिविधियों को किसी के समक्ष भी जाहिर ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय बर्बाद ना करें। आज आप और आपके पार्टनर दोनों ही कोई फैसला करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। संभावना है कि आज आप बैठकर आराम से अपने इस संबंध के फायदे और नुकसान की सूची बनाकर यह तय करेंगे कि आपको इसे आगे बढ़ाना है या नहीं। इस सारे लिखा पढ़ी में ऐसा हो सकता है कि आप या तो अपनी भावनाओं को कम महत्व दें या बिल्कुल ना दें, लेकिन आपको कोई भी फैसला लेने से पहले अपने दिल की भी सुननी चाहिए। बात करते हैं करियर की। अपने बेकार हो गए प्रयासों से निराश ना हो। आपको फिर से खड़े होकर प्रयास और कार्य करने की जरूरत है। बेशक आपके द्वारा दी गई जानकारियों से अहम मुद्दों का हल ना निकला हो, लेकिन आपको इससे कुछ जटिल विवरणों की एक बेहतर जानकारी मिलेगी। आप आज के दिन का आनंद लें, क्योंकि अतीत के निवेश से आपको आर्थिक रूप से फायदा होगा। मार्केट में आपकी योग्यता और मेहनत द्वारा आपको कुछ नई उपलब्धियां हासिल होगी, हालांकि इनके परिणाम आपको धीमी गति से ही मिलेंगे। इस समय कोई
व्यावसायिक यात्रा की भी संभावना है। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ कुछ कहा सुनी होने की आशंका है। बात करते हैं सेहत की। दूसरों के बारे में सोच कर खुद को तनाव ना दे, क्योंकि जब तक आप यह सब करते रहेंगे पूरी तरह व्यर्थ के सोच विचार और चिंता से उभर नहीं पाएंगे। अगर दवाइयों से अधिक फायदा नहीं हो रहा है तो किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना ही उचित रहेगा। योग और ध्यान से बहुत आराम मिलेगा। अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय। आज हनुमान भगवान जी को गुलाब की माला और केवड़े का इत्र चढ़ाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।